नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर में आमजन में स्वच्छता की अलग जगाने। शाम 5 बजे सिविल लाइन पर हम हैं इंसान टीम ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शहर के युवाओं एवं जनसमूह को स्वच्छता का संदेश दिया, जिसको सभी ने सराहा और शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने की शपथ ली। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। होकर जाना पड़ता है, वो देश के लिए रात दिन आपके साथ खड़े हैं और आप लोग कहते उन्हें सीट नहीं दे सकते, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनके परिवार की थोड़ी मदद तो कर सकते हैं। अभी पुलवामा अटैक में लोगों को मिल गए, दे दिए अक्षय कुमार ने 2-3 लाख रुपए सबको, लेकिन अभी भी किसी किसी के घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है और आप उनको एक सीट तक नहीं दे सकते। ऐसी बात करते हो आप लोग, जब तक आप नहीं बदलोगे देश नहीं बदलेगा। थोड़ी कोशिश करो आप लोग देश बदलने के लिए। आर्मी वाले सिर्फ आर्मी वाले नहीं है, वो आपके देश के लिए दिन रात खड़े हैं। मुझे बस इतना ही कहना है, बस हो गया। थैंक यू मैडम। आप सभी जिन्होंने ये नुक्कड़ नाटक को देखा उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस नुक्कड़ नाटक का जो उद्देश्य था, बहुत ही सिंपल सा उद्देश्य है कि हम अपने शहर सागर को सुंदर और स्वच्छ बनाएं। अब वो कैसे बनाएं उसके बहुत सारे तरीके और बहुत आसान आसान तरीके हैं। हम अपनी ड्यूटी निभाएं, उतना ही हमें करना है और बहुत ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना है। हमारी ड्यूटी सिर्फ इतनी सी है कि हम ना कचरा फैलाएं और जो दूसरे लोग फैलाते हैं उनको कचरा फैलाने से रोकें। ये दो काम अगर हम करेंगे तो बहुत जल्द हमारा शहर सागर भी नंबर वन बनेगा। क्या बोलते हैं आप लोग, सागर बनेगा नंबर वन? यस। अब हम भारत माता की जय के नारे लगाते हैं और अपने नुक्कड़ नाटक को समाप्त करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमें इंसान टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग नुक्कड़ नाटक में, ये इन छोटे छोटे बच्चों ने काफी मेहनत की है, 2-3 दिन प्रैक्टिस की है और आज हमने ये पहला नुक्कड़ नाटक किया। आने वाले भविष्य में ऐसे बहुत सारे नाटक के माध्यम से आपको स्वच्छता का संदेश देंगे। इन सारे लोगों के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए एक बार, जिन्होंने कोशिश की है एक अलग माध्यम से एक संदेश देने की। निश्चित ही इनका ये संदेश दूर दूर तक जाएगा। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।